हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली तिल और गुड़ के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अभी मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, तो इस पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ही इसको सब लोग पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये आधी कटोरी मूँगफली ली है, तो मैं इनको सबसे पहले एक पैन लिया है। पैन के अंदर या आपके पास जो भी कढ़ाई है उसके अंदर आप धीमी आंच में इसको बिल्कुल अच्छे से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक ये थोड़ी सी चटकने की आवाज़ आ जाए इसमें और इसका जो छिलका है वो उतरने लग जाए। तब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। ये हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकानी है, मूँगफली को सेकनी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो मूँगफली तैयार होने के बाद हम इसके अंदर आधी कटोरी हम इसके अंदर वाइट वाले तिल लेंगे और तिल को भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना है, वरना जो तिल हैं वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो ये बिल्कुल लो, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और हमें इनको सेकना है, बिल्कुल अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि जो इनका कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और तिल हमारे पक जाएँ। ये तिल मूँगफली के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर बनाना। और अभी सर्दी के मौसम में तिल मूंगफली और गुड़ बहुत खाने भी चाहिए, बहुत टेस्टी भी लगते हैं और अपने सेहत के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। और अभी जो मकर संक्रांति आएगी, लोहड़ी का पर्व आएगा, उस पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए तिल हमारे हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं, कलर चेंज हो गया है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए तिल का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम तिल को भी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और मूंगफली का छिलका उतार लेते हैं। जो ऊपर जो छिलका होता है मूंगफली के, उसको मैंने उतार लिया है। ये बहुत ही आसानी से उतर जाता है। आप कोई भी सूती कपड़ा लीजिए, उसके अंदर मूँगफली डालिए, उसको मसल दीजिए दोनों हाथों से, बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। तो ये देखिए मैंने तीनों चीज़ें रेडी कर ली है। मैंने आधी कटोरी ही गुड़ लिया है अभी, तो मैंने तीनों की क्वांटिटी सेम रखी है, तिल मूंगफली और गुड़। तो मैंने जो मूंगफली है उसको मिक्सी के अंदर अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया, बट इसको दरदरा सा ही पीसना, आप देख पा रहे होंगे, हमें ऐसा ही पीसना, ज़्यादा आटा नहीं बना देना इसका। तो ये देखिए मैंने अब मूँगफली निकाल ली है और उसी जार के अंदर मैं तिल और गुड़ डाल देती हूँ, उनको एक साथ हम पीस लेंगे, इनका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो इसे भी हमें बिल्कुल दरदरा ही पीसना है। तो ये देखिए तिल और जो गुड़ है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए हमें दरदरा सा पीसना है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं इसके लड्डू, बहुत शानदार बनते, बच्चे तो बड़े चाव से खाते हैं इसको। तो ये मैंने दो जो मूँगफली और जो तिल और गुड़ है तीनों को जो मिक्सचर तैयार किया था वो इसके एक बाउल के अंदर मिक्स कर लेंगे, चम्मच से या हाथ से भी कर सकते हो। तो ये देखिए हमें तीनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसके बांधेंगे लड्डू। बड़ी आसानी से लड्डू बन जाते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने गुड़ डाला है। गुड़ मैंने आधी कटोरी ली है, आधी कटोरी मूंगफली और आधी कटोरी तिल। तो ये देखिए इसके लड्डू बड़े आसानी से बन जाते हैं। मैंने दोनों हाथों से लड्डू बना लिया है। तो ये देखिए लड्डू कितना सुंदर बना है और आसानी से बन भी गया, बहुत ही टेस्टी है, कलर कितना अच्छा आया है। तो आप ज़रूर ट्राई करना है इस लड्डू बनाने की रेसिपी को, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। तो ये देखिए ऐसे करके सारे लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लड्डू बन के रेडी हुआ है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं ये और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत नरम मुलायम होते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैंने सभी लड्डू तैयार कर लिए हैं, ये देखिए कितने सुंदर लड्डू बने हैं और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।